मैं भी कह सकता था। बात ऐसी है कि जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो पानी मुंह में जाता है और बाद में सभी अंगों में जाता है, मांस में भी जाता है, मज्जा में भी, सब जगह जाता है, रक्त में भी जाता है, और अंत में पानी जो सरप्लस होता है माने जरूरत से ज्यादा होता है शरीर को, वो मूत्र पिंड में आके इकट्ठा हो जाता है। बाद में आप यू मूत्र के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं। तो मुंह में पानी शुरू किया, मूत्र पिंड तक आने में उसको 48 मिनट ही लगता है। तो आयुर्वेद में ये कहा गया कि जब ये 48 मिनट पूरा हो जाए और वो मूत्र पिंड में स्थिर हो जाए तो पेट तो खाली हो गया ना, तभी खाना खाना, माना खाने के पहले 48 मिनट में आप पानी पी सकते हैं, जितना चाहे उतना पी सकते हैं, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, क्वांटिटी आपकी कैपेसिटी।